स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लाईज करने, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर क्या आता है, तो 3 की टेबल को 5 टाइम बोलेंगे, तो 3 5 50। 9 की टेबल को 3 टाइम बोलने पर क्या आता है, तो 9 की टेबल को 3 टाइम बोलने पर 23 27। 4 की टेबल को 8 टाइम्स बोलेंगे, तो 32 आता है। 8 की टेबल को 6 टाइम बोलेंगे, तो 48 आता है। 5 की टेबल को 5 टाइम्स बोलेंगे, तो 25। 2nd वाले में मिसिंग फैक्टर्स बताने हैं। तो 5 की टेबल को कितने टाइम बोलेंगे कि 15 आ जाए, तो 5 की टेबल बोलेंगे 5 5 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15। 5 की टेबल को 3 टाइम बोलने पर 15 आता है। ऐसे ही 2nd वाला, 6 की टेबल को कितनी बार बोलेंगे कि 54 आ जाए, तो 6 की टेबल को 9 टाइम बोलने पर 54 आता है। सी वाला, 6 की टेबल में को कितने टाइम बोलेंगे 24 आ जाए, तो 6 4 24। और डी वाले में 3 6 18। इसके बच्चे आपको सॉल्व करने आगे, और इसके भी आगे जो बच्चे हैं वो आप ही को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फैक्टर्स बताने हैं 2। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये 2 फैक्टर्स है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स बताने हैं 12 के, कि 12 कैसे आएगा। तो मतलब कि जैसे कि मैंने 3 × 4 से निकला है, तो 3 4 कितना होता है, 3 4 12 होता है। ऐसे ही 3 2 और फैक्टर बताने, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की टेबल में आता है 12, 6 की टेबल में 2 टाइम में 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 4 3 12। ऐसे ही 18 में, तो 2 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 9 टाइम में आता है, 3 के टेबल में भी आता है 18, 3 के टेबल में 6 टाइम में 18 आता है, और फिर एक और 9 के टेबल में 9 3 18। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला आपसे करना है, ये
वाला आपको करना है होमवर्क में। एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे 4 का डबल करना है, मतलब 4 को दो बार लिखना है। तो मैंने 4 को 2 टाइम्स लिख दिया, 4 को 2 टाइम्स लिख दिया, अब साइन बीच में कौन सा है, प्लस का। तो 4 को 4 पर प्लस करने पर क्या आता है, 8। और फिर इसी का डबल, तो 4 की टेबल को 2 टाइम्स बोलेंगे तो भी 8 ही आएगा, आंसर 8 आना चाहिए क्योंकि 4 का डबल 8 होता है। ऐसे ही 40 को 40 में प्लस करेंगे तो 8 ही आता है, और अगर 40 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 8 ही आता है। अब थर्ड वाला 400 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 400 प्लस 400 प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 0 0, तो 4 4 तो 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 400 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 800 आ जाए, तो 4 का मल्टीप्लाई 300 करेंगे तो 800 आए। ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ओके।